श्री माणिकलाल उगरचंद शाह श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की स्मृति में श्री अजीत कुमार माणिकलाल शाह सौभाग्यवती अनुपमा अजीत कुमार शाह बारामती श्री शांति कुमार माणिकलाल शाह सौभाग्यवती नीला शांति कुमार शाह बारामती श्री प्रशांत प्रेमचंद शाह सौभाग्यवती चेलना प्रशांत शाह इंदापुर। ओम नमः सिद्धिभ्यः। पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। पंचम काल में जहाँ मन में निरंतर अनवरत विकल्प चलते रहते हैं और उन विकल्पों को हम साक्षात अरिहंत भगवान के समक्ष प्रस्तुत करके उनका सम्यक समाधान प्राप्त नहीं कर सकते, फिर भी हमारा पुण्योदय है कि हम अपने उन समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान एक निर्ग्रंथ गुरु के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं और अपने मन को निर्विकल्प बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। देश देशांतर से समीचीन विकल्पों के सम्यक समाधान में निरंतर अनेकानेक समीचीन प्रश्न हमें यहाँ प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज मुनि श्री उनका आगमोक्त विधि से हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प परासिया छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से श्रीमती संध्या भरत जैन परम पूज मुनि श्री के चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, हम अपने जीवन को धर्ममय बनाने के भाव रखते हैं परंतु पारिवारिक जिम्मेदारियों के निर्वहन में चाहकर भी उतना नहीं कर पाते हैं, तो सम्यक समाधान के माध्यम से आप हमें ऐसा मार्गदर्शन प्रदान करें जिससे कि हम इस जीवन को धर्म के पथ पर अग्रसर कर सकें। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान प्रदान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के। माँ, इस खोटे पंचम काल में धर्म की भावना करना भी एक बहुत बड़ी बात कही जाती। साक्षात धर्म करना, धर्म की क्रियाओं में संलग्न होना, ये तो सातिशय पुण्य का उदय हुआ ही करता है। पर अगर क्वचित कदाचित हम उस स्थान तक यानी उस क्रियाओं में संलग्न परिपूर्ण रूप से नहीं हो पा रहे तो उसकी भावना भी भारी है, तो ये भी एक हमारे लिए बहुत अच्छी बात है और वह भी हमारे लिए कर्मों के निर्जरा करने के लिए साधन हो सकता है। पुनः आपके उस भावना को मूर्त रूप देने के लिए जो आपने ये विकल्प भेजा है, परिपूर्ण रूप से सतत हमारी उत्कृष्ट भावना भाना भी कभी ना कभी हमारे लिए उस भावना को साकार करने के लिए कार्यकारी सहकारी हुआ करती है। इसलिए सबसे पहली बात तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, जैसे आपके भीतर उस धर्म धर्म क्रियाओं को और धर्मात्माओं को धर्म अनुष्ठानों को प्राप्त करने की भावना है, वह सतत उस भावना को आप भाते रहे और साथ में यह भी ध्यान रखे कि जो धर्म की भावना या धर्म की क्रियाओं की भावना के बारे में कहा गया है, जरूरी नहीं है कि धर्म धर्म के अनुष्ठान मात्र मंदिर में या किसी एक विशिष्ट स्थान पर होते हैं, वह परिपूर्ण रूप से जो भी धार्मिक क्रिया या धर्म के अनुष्ठान होते हैं, हम जहाँ बैठे हैं वहाँ बैठकर भी परिपूर्ण रूप से उसको प्राप्त कर सकते हैं। और इसीलिए आप जैसे घर में बैठे हैं तो घर में बैठे भी जितना हमें समय मिला, क्योंकि ये परम सत्य है, गृहस्थी में अपने घर गृहस्थी का और संसार के उन कर्तव्यों का भी निर्वाहन करना बहुत आवश्यक होता है, पर यह बात भी हम समझें कि जो
घर में जितना समय मिले, माना कि सुबह शाम हमें 15-20 मिनट मिल रहे हैं, शाम को भी 15-20 मिनट मिल रहे हैं, तो ऐसे समय का हम स्वाध्याय करने के लिए अपना समय व्यतीत करें। साथ में अगर हम मंदिर आदि नहीं पहुंच पा रहे हैं तो घर में बैठे ही के कभी कभी भाव पूजा कर ले, या जब जैसे हमें 5, 10, 15 मिनट भी नहीं है, माना कि 2 ही मिनट है, तो 2 मिनट में हमें जितना समय मिले उतने ही समय नमोकार की माला या ओम ह्रीम नमः ओम आदि जो मंत्र हमारे पास होगा उन मंत्रों को हम जैसा पढ़ जितना समय है उतने समय के लिए पढ़ ले। जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जीवों का यह भ्रम होता है कि धर्म हम मंदिर में ही पहुंच के करते हैं, या किसी विशिष्ट स्थान पर पहुंचने से या विशिष्ट कोई बड़े अनुष्ठान करने से ही धर्म या पुण्य मिलता है। ऐसा सर्वथा नहीं है। जितना छोटा छोटा समय, अल्प समय या अल्प अवधि हमें मिले, उतने में भी हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, पर सतत धर्म को प्राप्त करने की सच्ची भावना, मायाचारी से रहित होना बहुत बहुत आवश्यक है। साथ में हम ये भी ध्यान रख सकते हैं, जैसे घर गृहस्थी की क्रियाएं कर रहे हैं, उसमें भी अगर प्रत्येक क्रिया में हम विवेकपूर्वक क्रिया करें, हिंसा से बचने का प्रयास करते रहे, प्रमाद को छोड़ने का प्रयास करते रहे, तो नियम से उसमें भी हमें धर्म के निमित्त से या उन विवेक आदि क्रियाओं में विवेक आदि के निमित्त से पुण्य की प्राप्ति, उस धर्म के फल की प्राप्ति भी अवश्य ही हो सकती है। इसलिए जो धर्म की व्याख्या हमने मात्र मंदिर या एक विशिष्ट स्थान में समझी थी, उतना सीमित ना करते हुए हमें जहाँ जब जैसा समय मिले उसके अनुकूल कभी हम स्वाध्याय करें, कभी भक्तांबर का पाठ पढ़े, कभी घर में बैठे बैठे माला भी फेर ले, या कुछ भी नहीं करने की इच्छा हो रही है तो कम से कम संसार के सभी जीवों के प्रति दया करुणा अहिंसा के भाव, सभी स्वस्थ रहे, सभी अच्छे रहे, ऐसे भावों को भी हम भाते रहेंगे तो वो भी दया करुणा रूपी धर्म एक अंश में हमारे जीवन में उतर जाएगा, और ऐसे करते करते ही एक एक बूंद धर्म का और पुण्य का इकट्ठा करते ही हम फिर आने वाले समय में कभी उस सातिशय पुण्य से विशेष धर्म और धर्म अनुष्ठान में लीन हो सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। रजनी देवेंद्र जैन बरूड अमरावती महाराष्ट्र से परम पूज मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, कुछ जिन मंदिरों में देखने में आता है कि शांति मंत्र के अंत में कलश में कुछ जल शेष बचा लिया जाता है और बाद में उस कलश का जल श्रावकों को पीने के लिए दिया जाता है, क्या यह उचित है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। शांति मंत्र में जो कलश के द्वारा शांति धारा की जाती है, उस कलश झारी आदि के माध्यम से जो बचा हुआ जल होता है वह ना गंधोदक है, ना उसमें कोई मंत्रों का उच्चारण हुआ है, ना वह किंचित भी आगम के परिपेक्ष में ग्रहण करने या देने योग्य कहा गया। वह तो जैसे सामान्य पानी होता है वैसे ही सामान्य पानी है। जब तक वह जल पानी भगवान की प्रतिमा आदि पे नहीं ढुरता है, उस पर नहीं जाता है, तब तक वह गंधोदक की श्रेणी में नहीं आता। और जो ये आप कह रहे हैं कि ऐसा कई स्थानों पर देखा जाता है, मेरे तो देखने में नहीं आया, पर अगर ये कहीं हो रहा है, आपने देखा हो तभी पूछा है, पर अगर कभी ऐसा कहीं हो रहा है तो उसका कोई आगम में प्रमाण नहीं है, ना उसका कोई आगम में आधार है। जो जैसा कर रहा है वह पता नहीं अपनी सोच से अपने विवेक से कर रहा है, पर आगम में ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं बताई गई है कि गंधोदक के या उस कलश के झारी के अभिषेक शांति धारा करने के उपरांत बचा हुआ पानी वह कभी भी पवित्र पूज्य, ऐसा कहीं भी उल्लेख प्राप्त नहीं होता। वह सामान्य पानी है और सामान्य पानी का हम कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं, पर अगर उसे कोई गंधोदक मान के या कोई विशेष क्रिया करके हुए उसको कहके हुए दे रहा है तो ये सब कुछ मिथ्या बातें हैं। आगम के परिपेक्ष में उस पानियों को बांटना, सबको पीने के लिए देना या घर ले जाने के लिए देना, ऐसी कहीं भी व्याख्या प्राप्त नहीं होती। जैसे कलश में भरने के पहले वह पानी था वैसे ही वह पानी है। वह शांति धारा के मंत्रों के द्वारा जब भगवान की श्री जी की प्रतिमा के ऊपर से वह पानी उस थाली आदि में आता है, वहाँ पर वह गंधोदक की उस संज्ञा को प्राप्त होता है। उसके पहले
धारी का पानी किंचित भी गंधोदक नहीं है, न वह किसी भी अपेक्षा से आगम के परिपेक्ष में उसे पवित्र नहीं माना जाता और न उसे पीने की सलाह किसी आचार्य भगवंतों ने दी है। इसलिए आगम के परिपेक्ष में यह करना किंचित भी उचित नहीं है। फिर वह करने वाला क्यों, कैसे और किस कारण से कर रहा है, वह भी समझना आवश्यक है। तो यह समझकर आगम के परिपेक्ष में हम यही समझे कि आगम में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बताई है। वह व्यक्तिगत किसी की निजी सोच हो सकती है और उसने अपने स्वयं की व्यवस्था से यह क्रिया प्रारंभ की होगी, पर यह किंचित भी आगमुक्त क्रिया नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से श्रीमती चंदा जैन, डॉक्टर मगन जैन सपरिवार परम पूज मुनि श्री के चरणों में त्रिकाल त्रिभक्ति पूर्वक कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए आशीर्वाद की अभिलाषा के साथ अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, निश्चय न की अपेक्षा से क्या हम एक दूसरे का उपकार कर सकते हैं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, ये जितना परम सत्य है उतना ही ये भी परम सत्य है कि ब्रह्मांड के प्रत्येक द्रव्य एक दूसरे के लिए उपकार करने वाले होते हैं या एक दूसरे के लिए उपकारी होते। जैसे उमास्वामी भगवान ने तत्वार्थ सूत्र में परस्परोपग्रहो जीवानाम ये जीव के विषय में सूत्र देते हुए जीव भी एक दूसरे का उपकार करता है, यह जो सूत्र का भावार्थ देते हुए उन्होंने कहा है, ये परम सत्य है कि प्रत्येक द्रव्य ही नहीं अपितु जीव भी दूसरे जीव का उपकार करता है। अन्य द्रव्यों के भी विषय में आपने समझा है और बिल्कुल ये जितना भी कथन प्राप्त होता है परिपूर्ण रूप से मात्र और मात्र व्यवहार नय की अपेक्षा से ही होता है, क्योंकि ये हमें पहले व्यवहार नय और निश्चय नय के विषय में कुछ संक्षेप में समझना होगा। जहाँ पर भेद या उपचार से कथन किया जाता है वहीं पर व्यवहार होता है और जहाँ अभेद कथन किया जाता है एक ही वस्तु में एक ही द्रव्य में वहाँ पर वह निश्चय नय लगाया जाता है। इसलिए जब परस्पर दो भिन्न द्रव्यों के उपकारों की बात आएगी, चाहे जीव का दूसरे जीव के प्रति हो, चाहे अन्य द्रव्य का जीव के प्रति, या किसी परस्पर द्रव्य का एक दूसरे के प्रति जब भी उपकार का व्याख्यान आएगा, जब भी कथन आएगा, वह परिपूर्ण रूप से भेद कथन होने से, परस्पर दो द्रव्यों का संबंध वहाँ पर होने से, नियम से वह व्यवहार नय का ही कथन कहा जाएगा। निश्चय नय की अपेक्षा से जो भी कथन होता है वह परिपूर्ण रूप से मात्र और मात्र अभेद कथन होता है, उसमें किंचित भी भेद नहीं होता। जहाँ एक ही द्रव्य में गुण और गुणी में भी व्यवहार या भेद किया जाता है उसे भी सद्भुत व्यवहार कहते हैं और जहाँ उपचार होता है वहाँ असद्भुत व्यवहार कहा जाता है। यहाँ तो साक्षात परस्पर दो भिन्न द्रव्य है और उन दो भिन्न द्रव्यों का एक साथ उपकार रूप संबंध जोड़ते हुए वह दो द्रव्य होने के कारण उनमें अभेदता नहीं हो सकती और जहाँ अभेदपना नहीं है, अभेद कथन नहीं है, अंतरंग के विषय का कथन नहीं है, वहाँ किंचित भी निश्चय नय का विषय नहीं हो सकता। इसलिए जो आपने यह विकल्प रखा है वह निश्चय नय की अपेक्षा से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का किंचित भी उपकारी नहीं हो सकता। अगर हम परम शुद्ध निश्चय नय की बात कर ले तो परम शुद्ध नय तो ये कहता है कि जीव अपने स्वयं के भी किसी भी भावों का कर्ता भोक्ता नहीं है। परम निश्चय नय तो मात्र जीव को ज्ञाता दृष्टा ही जानता है। उसमें भी अगर हम शुद्ध या अशुद्ध निश्चय नय की भी व्याख्या करें तो अशुद्ध निश्चय नय भी यही कहेगा कि यह जो जीव है या जीव द्रव्य है वह अपने कासायिक भावों का विषय कषायों का कर्ता भोक्ता है, वह अशुद्ध निश्चय नहीं कहेगा। शुद्ध निश्चय नहीं कहेगा जो उसके शुद्ध भाव है उस शुद्ध भावों का कर्ता जीव है, और परम शुद्ध निश्चय नहीं यही कहेगा जीव किसी का कर्ता भोक्ता या उपकारी कुछ भी नहीं है। इसलिए इन सभी अपेक्षाओं से, या आपने अगर द्रव्य संग्रह श्लोक गाथाएं पढ़ी होगी तो उसमें भी बहुत विस्तार से आचार्य भगवान ने इस पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि जीव द्रव्य किस अपेक्षा से करता है, किस अपेक्षा
अपेक्षा से भोक्ता और किस अपेक्षा से नहीं है। इन सभी अपेक्षाओं को समझते हुए हमें यही निर्णय करना होगा कि जीव हो चाहे कोई भी द्रव्य हो, वह दूसरे द्रव्य का परस्पर में भी किसी भी प्रकार से निश्चय नय से उपकारी नहीं हो सकता। निश्चय नय मात्र अभेद अंतरंग का कथन करने वाला होता है, और जहाँ दो द्रव्यों का परस्पर में उपकार की बात आती है वहाँ वह व्यवहार नय का ही विषय होगा। इसलिए निश्चय नय की अपेक्षा से कोई द्रव्य, कोई जीव, कोई भी किसी का उपकारी भी नहीं हो सकता, कर्ता भोक्ता भी नहीं हो सकता। यही आगम के परिप्रेक्ष्य में आपके लिए सम्यक समाधान। आशीष के साथ अगले समीचीन विकल्प के लिए ओम प्रकाश जैन भारत देश से परम पूज मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जब यह जीव शरीर छोड़ देता है तब विग्रह गति में कारमाण शरीर के साथ जाता है, तो उसमें उसको पिछले भव का भाव आश्रय हो सकता है या नहीं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जो आश्रव के दो भेद बताए हैं, भावाश्रव और द्रव्याश्रव, द्रव्याश्रव का अर्थ साक्षात आठ कर्मों को ग्रहण करना है, और उसके लिए जो जीवों के भाव हो रहे थे उसे भावाश्रव का। अब इसके साथ हमें विग्रह गति को भी जोड़ते हुए समझना होगा कि जब जीव विग्रह गति में होता है उस समय पर वह परिपूर्ण रूप से अनाहरक होता है। वह तीन समय तक किसी भी प्रकार से किसी आहारक वर्गणाओं को ग्रहण नहीं करता। पुनः आहारक का मतलब जो छह पर्याप्ति रूप वहाँ पर जो ग्रहण करना है उसे समझना, अन्यथा कोई आहार ग्रहण नहीं करना। जो कारमाण वर्गणाओं को ग्रहण करने का समय बताया है या उस विग्रह गति के विषय में व्याख्यान आचार्य भगवंतों ने किया है, तो विग्रह गति में जीव किसी भी प्रकार के उन कारमाण वर्गणाओं को ग्रहण नहीं करता, इसलिए उस समय पर उसे अनाहरक स्पष्ट रूप से कहा है तीन समय के लिए। और रही बात भावाश्रव की, क्योंकि ये तो विषय द्रव्याश्रव का हुआ कि वह कारमाण वर्गणाएं ग्रहण नहीं करता, पर अब ये विषय भी हमें समझना होगा कि जो भावाश्रव कहा गया है अगर वह पिछले पर्याय का है तो पिछली पर्याय जब नष्ट हो ही चुकी है तो उसके भाव अगले दूसरे तीसरे समय तक उसके साथ कैसे रहेंगे। जब उसकी पर्याय नष्ट हुई, माना कि अगर वह मनुष्य ही था, मनुष्य का मन, मनुष्य की पर्याय सब कुछ नष्ट हो गई, वह छोड़कर अगले पर्याय में जाने के लिए जो विग्रह गति को प्राप्त कर रहा है, उस समय पर ना उसके पास मन है, ना उसके पास शरीर है, ना उस आत्मा के पास भाव करने की शक्ति है, और इसलिए वह उस समय में भी भावाश्रव को उस स्थिति में प्राप्त नहीं हो रहा, और साथ में पिछली पर्याय के भी भाव उसके साथ कभी भी नहीं जा सकते। मात्र विग्रह गति में ही नहीं अपितु आने वाली पर्याय में भी जीव कभी भी अपने भावों को साथ में लेके नहीं जाता। मात्र जिस उस द्रव्य आश्रव के द्वारा या द्रव्य बंध के द्वारा जितने का उन्होंने ग्रहण किया है पुद्गल वर्गणाओं का, उसको ही वह कारमाण शरीर बनाते हुए उसको ही साथ में अगली पर्याय तक एक दो तीन समय में अगले स्थान तक पहुंचने के लिए साथ में ले चलता है। अन्य कोई भी वहां पर भावों का या पिछले पर्याय का कोई भी वहां लेना देना नहीं होता है। इस कारण से ये स्पष्ट रूप से हमें समझना होगा कि किंचित भी पिछले पर्याय का भावाश्रव विग्रह गति में जीव को नहीं होता। द्रव्याश्रव तो होता ही नहीं है, पर भावाश्रव भी नहीं होता, क्योंकि पिछली पर्याय तद समय में वहाँ नष्ट हो गई थी, और तीन समय में विग्रह गति में जीव अनाहरक होता है, इसलिए वह भावाश्रव और द्रव्याश्रव से रहित होता है। आश्रव पिछली पर्याय का था, उस तीन समय के लिए वह जो पिछले संपर्याय से संबंध नष्ट होने के कारण से वहाँ ना भावाश्रव मिलता है न वहाँ द्रव्याश्रव मिलता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए आस्था जैन मुंगावली मध्य प्रदेश से अपने ऑडियो मैसेज के साथ हमारे सामने हैं। पूज्य मुनि श्री शुक्रव सागर जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मैं मुगावली से आस्था जैन, मेरा यह प्रश्न है कि महाराज श्री, हम लोग जैन धर्म के अनुसार यह पढ़ते हैं कि सीता जी ने आरिका पद को धारण किया था, उन्होंने दीक्षा ली थी, लेकिन हम वहीं पर हिंदू धर्म के अनुसार पढ़ते हैं कि सीता जी ने अग्नि परीक्षा देकर वह धरती में चली गई थी। महाराज जी, मेरा यह प्रश्न है कि एक समय पर दो चीजें कैसे घटित हो सकती हैं?
और अगर हम कभी किसी से इस बात पर चर्चा करते हैं, जैन धर्म के अलावा किसी और धर्म के लोगों से, हिंदू धर्म के लोगों से, तो वो अपना बताते हैं और हम अपना बताते हैं, तो महाराज श्री हम क्या समझें? कृपया मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जो रामचंद्र जी थे, जिनके कथानक बहुत सारे दर्शनों में और बहुत सारे धर्मों में अपनी अपनी परंपरा और अपने अपने लेखकों की अपेक्षा से भिन्न भिन्न लिखे गए और भिन्न भिन्न दर्शाए गए, इसी परिपेक्ष में हमें यह समझना होगा कि जैसे हमारे रविसेन महाराज ने जो पद्म पुराण लिखा, जहाँ पद्म यानि जो राम था, जिसे कथानायक कहा जाता है, ऐसे उस कथानायक का जो वहाँ कथानक किया गया है या जो लेखन किया गया है, उन्होंने परिपूर्ण रूप से भगवान की वाणी में जो सत्य खीरा था, साथ साथ उनके सामने जो पुराने ग्रंथों का और पुराने आचार्य भगवंतों का जो संदर्भ था, उसको साथ लेते हुए उन्होंने वह सत्य प्ररूपणा आगम के परिप्रेक्ष्य में, पूर्वाचार्यों के परिप्रेक्ष्य में की थी, जिसमें यह उल्लेख प्राप्त होता है जो सीता थी वह पृथ्वीमती माताजी के पास जाकर उसने दीक्षा ग्रहण कर ली और उन्होंने आर्यव्रत धारण करके अपने उस पर्याय को और अपने आत्मा को धन्य कर दे। ये कथानक हुआ हमारे पद्म पुराण की अपेक्षा से जो रविसेन भगवान ने लिखा था, पर वहाँ वहीं पर जो उसी राम भगवान को लेके हुए, उसी कथानायक को लेते हुए बहुत सारे दर्शनों ने और बहुत सारे स्थानों पर जो भिन्न भिन्न प्रकार का कथानक, भिन्न भिन्न प्रकार का जो पुराण चरित्र आदि लिखा जाता है, उसके विषय में भी हमें ये समझना होगा, व्यक्ति जैसे जो लेखक होता है, उस व्यक्ति या उस लेखक की अपेक्षा से वह उस कथानक का भिन्न भिन्न कथानक, भिन्न भिन्न दृष्टांतों के द्वारा उसका वर्णन करता है। जरूरी नहीं होता कि एक ही वस्तु को, एक ही व्यक्ति को हर व्यक्ति एक समान देखे। जैसे सामान्य दृष्टांत में भी आप देख लेना, कोई भी वस्तु होती है घर में, प्रत्येक व्यक्ति उसे समान रूप से नहीं देखता, किसी की दृष्टि कुछ और होती है, किसी बुजुर्ग की दृष्टि कुछ और होती है। उसी प्रकार से भले ही रामचंद्र जी एक ही थे, उनका इतिहास परम परम एक सा ही था, उसमें कहीं बदलाव नहीं था, पर जिसने जिसको जैसा समझा है उसने उसको वैसा लिखा है। इसलिए उनके प्रत्येक कथानक में मात्र सीता जी के विषय में ही नहीं, अपितु उस रामायण को लेते हुए जो कुछ महीने पहले आपने टीवी आदि में देखा होगा, कुछ वर्षों पहले भी जो टीवी पे चला था, उस रामायण में और रामचंद्र मानस जो अन्य कवियों ने लिखा है, उसमें भी बहुत सारा अंतर है। उन्हीं हिंदू दर्शन में ही उन्होंने, अनेक लेखकों ने जो रामचंद्र जी को कथानायक बनाते हुए बहुत बड़े बड़े कथानक, बहुत बड़े बड़े चरित्र आदि लिखे हैं, उनके भी परस्पर लेखन में, दृश्यों में, दृष्टांतों में और कथाओं में बहुत सारा अंतर है। फिर जो दो भिन्न दर्शन हैं, दो भिन्न धर्म हैं, उनमें तो वह परिपूर्ण रूप से अंतर होना स्वाभाविक ही था। इसलिए मात्र सीता के ही विषय में नहीं, अपितु हनुमान जी के विषय में, लक्ष्मण जी के विषय में, बहुत सारे दृष्टांतों के विषय में और बहुत सारे कथानकों में अपने जैन दर्शन के पद्म पुराण में और अन्य दर्शनों के रामायण आदि आदि में बहुत अंतर मिलता है। ये जितने भी रामायण आदि आदि लिखे गए हैं, वह परिपूर्ण रूप से हमारे उस पद्म पुराण के, जो रविसेन महाराज ने लिखा है, उसके बाद में लिखे गए हैं, और यही शायद कारण होगा कि उनसे प्रभावित होते हुए ही उन्होंने अपने बहुत सारे विषयों को ग्रहण किया है। पर जैसे हमारे बहुत सारे आगम की बातों को ही सुनकर, भगवान की दिव्य ध्वनि को सुनकर ही लोगों ने अपनी अपनी बातें निकालकर अपनी अपनी कथाएं, अपने अपने दर्शन, अपने अपने धर्म प्रारंभ किए, बिल्कुल यहाँ भी हमें यही समझना होगा। मूल कथानक तो यही है कि सीता ने परिपूर्ण रूप से उस पृथ्वीमती माताजी के पास जाकर दीक्षा ले ली, जैसे ही उस अग्नि परीक्षा के द्वारा उसे सत्य का बोध हो गया, वैराग्य की प्राप्ति हुई, उस सीता ने तुरंत ही वैराग्य को धारण करते हुए पृथ्वीमती माताजी से दीक्षा, आर्यिका दीक्षा धारण की। पर उनके दर्शन में आर्यिका दीक्षा या आर्यिका होना, दीक्षा लेना, स्त्री आदि का ऐसा कोई विशेष वर्णन प्राप्त नहीं होता। इस कारण से उन्होंने जो पृथ्वीमती शब्द था उसको ग्रहण करते हुए, मात्र पृथ्वी को ग्रहण करते हुए, उन्होंने वह पृथ्वी को, पृथ्वी यानी धरती भूमि का स्वरूप मानते हुए, उन्होंने उस पृथ्वी में वह समा गई, ऐसा दृश्य, ऐसा कथानक बनाना प्रारंभ किया।
अब रही बात दूसरों को समझाने की, कहने की, ये भी परम सत्य हमें समझना होगा। कोई भी किसी की भी बात स्वीकार कर नहीं सकता। हमें अपने आगम पर, हमें अपने पूर्वाचार्यों पर श्रद्धान करना है। कौन क्या मानता है, कौन क्या कहता है, वह उनका पर्सनल व्यू हो सकता है, अपना व्यक्तिगत चिंतन हो सकता है, क्योंकि कोई भी दूसरे की बात स्वीकार नहीं करता। यहाँ तो परस्पर दो भिन्न धर्म और भिन्न दर्शन है, पर जो एक घर में रहने वाले होते हैं वो भी एक दूसरे की बात माने जरूरी नहीं होता। फिर यहाँ तो जब पूर्णता से ही परंपरा में, अपनी मान्यताओं में, कथानकों में भिन्नता है, तो कैसे एक साथ वह होना संभव हो सकता है। इसलिए दूसरों को समझाने की या चर्चा आदि करने की हम विकल्प को छोड़ दें। हमें अपने लिए, स्वयं के लिए श्रद्धान करना है। पद्म पुराण की अपेक्षा से जो पृथ्वीमती माता जी के पास पहुंचकर उस सीता ने दीक्षा ली थी, वही आगम के परिप्रेक्ष्य में सत्य है। अन्य दर्शन अपनी अपनी अपेक्षा और अपने अपने समझ के द्वारा उन्होंने जो कथानक किया है वह उनकी अपेक्षा से सत्य हो सकता है। और परस्पर में तालमेल बनाने की अपेक्षा हम अपने आगम पर, अपने आचार्यों पर श्रद्धान करें, विश्वास करें, तो नियम से वह हमारे लिए कार्यकारी श्रेष्ठ हो सकता है। तभी हमारा सम्यक शेष रहेगा। दूसरों को समझाने की आवश्यकता नहीं है, हम ही समझ जाए तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा। आगम के परिप्रेक्ष्य में यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जिन बंधु, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस कार्यक्रम में हम सब लाभ ले रहे थे मुनिश्रियों के मुखारविंद से सम्यक समाधान का। सुविशुद्ध ज्ञान धारा, इस प्रतियोगिता के जो तीन क्वेश्चंस थे वो आपको इस कार्यक्रम में अभी आपने देखे होंगे। इसके जवाब आपको शाम को 6:15 तक हमारे व्हाट्सएप नंबर 8707548811 के माध्यम से हम तक पहुंचाने हैं। शाम को 6:45 पे आचार्य भक्ति का लाइव प्रोग्राम आता है यूट्यूब एवं फेसबुक पे। आप उसके माध्यम से हम लोग लकी विजेताओं का चुनाव करेंगे। उस कार्यक्रम के दौरान ही आपको पता चलेगा कि आपके जो जवाब है वो सही है या नहीं है, और किस जिस के सवाल सही है उसमें से कौन लकी विजेता बनेगा। इस कोविड महामारी के बीचों बीच में आपको घर बैठे ज्ञान एवं इनाम मिलाने का या मिलने का यह स्वर्ण मौका है। जी हाँ, मैं मुनिश्री के चरणों में यहीं से नमोस्तु करता हूँ एवं आज के कार्यक्रम को यही विराम देता हूँ। नमोस्तु, नमोस्तु। श्री माणिकलाल उगरचंद शाह, श्रीमती विमल, श्री माणिकलाल शाह की स्मृति में श्री अजीत कुमार माणिकलाल शाह, सौभाग्यवती अनुपमा अजीत कुमार शाह बारामती, श्री शांति कुमार माणिकलाल शाह, सौभाग्यवती नीला शांति कुमार शाह बारामती, श्री प्रशांत प्रेमचंद शाह, सौभाग्यवती चेलना प्रशांत शाह इंदापुर,